मामला सतना जिले के रैगांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरवा का है, जहां खारा पानी होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर पीने के पानी को लाने ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। पुरवा के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर विगत रैगांव विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर पुरवा पंचायत द्वारा किया गया था, जिसे लेकर रैगांव उपचुनाव में सतना आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा अपनी गारंटी लेते हुए कहा गया था कि आचार संहिता खत्म होते ही पुरवा पंचायत में नल जल योजना का कार्य शुरू किया जाएगा। अगर कार्य शुरू ना हो तो मुझे गाली देना, पार्टी को गाली देना, ये बात भी कही गई थी। आप भी सुनिए क्या कहा था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। पानी के बारे में अभी यहाँ पर पुरवा वालों ने स्टिकर उठा के दिखाया, मैंने देखा। अभी मैंने मंडल अध्यक्ष को बोल दिया है, मेरे बैठने के पहले आपसे मैं मिलूंगा भी, और मिलने के पहले तक मैं बात करके आपकी समस्या के समाधान की कोशिश करूंगा। मंच से उतर के मैं आपके पास ही आऊंगा। मित्रों, ये सरकार ने काम करके दिखाया। जी। पानी पीने का है, खारा पानी निकलता है, तो हैंडपंप तो अभी खुदवा दे तो खारा ही निकलता है। जी। आपकी नल जल योजना का एस्टीमेट तैयार हो गया है, आपकी नल जल योजना स्वीकृत हो गई है, 2 किलोमीटर दूर से पानी आना है, हमारी गारंटी है। आपको बता दें कि आचार संहिता खत्म हुए करीब 3 से 4 महीने हो चुके हैं और पूर्वावासियों को पीने के पानी की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्या राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्वावासियों को झूठा आश्वासन देकर हमारा चुनाव बहिष्कार का आंदोलन खत्म करवाया था। जी बताइए क्या समस्या है आपकी। सर, हमारे गाँव में पीने की पानी की भीषण समस्या है, हर जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाती है पानी के लिए, वहां भी पानी किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को मिला ही नहीं। और हमारे यहां जो है तो मंत्री जी आए थे, गृह मंत्री जी, वो बोले थे कि पुरवा के लिए पानी हम देंगे। पुरवा में पानी की समस्या बहुत विकराल, भीषण समस्या है। जबकि आज से 2-3 महीने पहले जो है, जब ये आपका उपचुनाव था रैगांव विधानसभा का, तब नेता कई ठे आए, प्रशासन भी आया, तहसीलदार साहब आए, जिला सीओ, सीओ, मतलब कई तरह से मतलब आश्वासन दे करके चले गए थे कि जैसे चुनाव खत्म होता है तैसे आपके यहाँ की पानी सप्लाई की व्यवस्था जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक न कोई कार्रवाई हुई है, न कोई ऐसी जानकारी हुई है, न ऐसा कोई काम हो रहा, मतलब देखने को नहीं मिल रहा कि उसमें थोड़ा सा जल्द से जल्द विचार करके और काम शुरू करके पानी की व्यवस्था बनाए। पुरवा ग्राम पंचायत में भीषण जल समस्या है, जिसके लिए यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। कुछ वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, पानी के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की जनहानि, धनहानि और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ग्राम पंचायत पुरवा में सबसे बड़ी ये समस्या है कि पानी पीने की इतनी बड़ी समस्या है कि गांव की जनता इतनी त्राह त्याह कर रही है कि 2-3-4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है, फिर भी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो कि गांव की जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलकंठ चौधरी है। जी बताइए क्या समस्या है आपको। शासन द्वारा कहा गया था कि पानी मिलेगा, तो पानी नहीं मिला है। कितने दूर जाते हैं आप पानी लेने? 5 किलोमीटर। पीने का पानी नहीं है आपके यहाँ? नहीं। शासन द्वारा बोला गया था कि पानी मिलेगा, पानी नहीं मिल रहा। लेडीज जो परेशान है, गरीब लोग, परदेश कमाते हैं तो लेडीज लोग जाती हैं 5 किलोमीटर पानी का। क्या यह चाहिए शासन को? शासन से मांग चाहते हैं कि पानी मिले, लेडीज लोग ना परेशान हो। अब देखना यह है कि गृह मंत्री की गारंटी की सतना जिला प्रशासन धज्जियां उड़ाता है या पुरवा पंचायत में नल जल योजना का कार्य शुरू होता है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए सतना से अनमोल मिश्रा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइमेट मध्य प्रदेश से। टाइमेट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।